सभी कॉलेज त्राल में नशा मुक्ति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग पुलवामा के सहयोग इस विषय पर कई छात्रों ने बात। जाने माने कॉमेडियन बशीर कुटरू ने दर्शकों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और युवा पीढ़ी पर इसके प्रभाव के बारे में अपने हास्य कलाकार के रूप में समझाया। इस अवसर पर DDC पुलवामा बशीरुल हक चौधरी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें जागरूक और ड्रग्स से दूर रखना चाहिए। मीडिया के सिद्धांतों से बात करते हुए उन्हें प्रोफेसर फारूक अहमद मीर ने कहा कि इस संगोष्ठी का आयोजन इसलिए किया गया ताकि हम छात्रों के माध्यम से समाज को एक संदेश भेज सके, खासकर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखे। यूटी लेवल पर भी शुरू किया एडिक्शन। आपको पता होगा कि बहुत सारे हमारे जवान इसमें फंस रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर पेडलर्स हैं जो इनको लालच दे के कुछ पैसे दे के या दे के इन्वॉल्व करते हैं ताकि हमारे जो यूथ है इनको ये बर्बाद करें। तो इसी सिलसिले में हमने एक यहाँ एक वर्कशॉप शुरू किया है ताकि हम अवेयर करें जो हमारे बच्चे हैं, कम से कम हमारे कॉलेज में है 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं। इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है 2000 घरों तक जा रही है ताकि हम अपने जो यूथ को फ्यूचर को हम बचाएं। हमारा हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें हमने एक काउंसलिंग क्लियर की है, कमेटी जो लगातार काउंसलिंग कर रही है और इनके साथ इनको सपोर्ट कर रही है। हमारा एक टीम है NSS टीम, वो भी इनको सपोर्ट कर रही है। तो जब भी मौका मिलता है तो पूरा इनको काउंसलिंग करते हैं। मलिक निसार की रिपोर्ट।